Welcome back to your channel. This video is based on ESIC exams. Okay, as we know, we only have 5 days, and in 5 days we have to cover all the things like जो काम करना है हमें इन 5 दिनों में वो अपनी स्ट्रेटजी पर करना है जो हम अब तक करते आए हैं. ठीक है, उसी प्रैक्टिस को अब हमें फाइनल टेस्ट देना है. ठीक है, सो अभी इन 5 दिनों में, 4 दिनों में, 5 जो आपका 19 को एग्जाम है, हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अभी हम कैसे ना उन चीजों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये 4-5 दिन ऐसे होते हैं जहां हमारे एक प्रॉपर फॉर्म में स्ट्रेटजी लेकर बहुत चलना जरूरी है. जस्ट बिकॉज एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 4-5 दिन वैसे ही निकल जाते हैं, इस टेंशन में निकल जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना कहां से करें. सो हमें ये वेस्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज होता ना कि आखिरी चोट बहुत जरूरी होती है. ठीक है, सो मैं बता देती हूँ आपको, ये जैसे आपका इतना सा ही है जो अभी आपको 5 डेज के प्लान में करना है. अब करना क्या है, देखो, एक सिंगल मॉक तो पर डे देना है, 2 दे पाओ तो वेल एंड गुड, ये बहुत बेस्ट होगा. प्रैक्टिस मॉक का जैसे मैंने आपको देकर भी दिखाया है कि कैसे करना है और हमें टाइम मैनेज कैसे करना है. ठीक है, ये तो वैसे भी मैं एक वीडियो ले ही आऊंगी इस पर, और आपकी ये वीडियो आज 14 हो गई है, तो 17 के अराउंड मैं ले आऊं. ठीक है, कि फाइनल हमें एग्जाम एक्चुअली कैसे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि वहां टाइम एक साथ होगा ना, हमें कंबाइंड मिलेगा. सो एक सिंगल मॉक तो लगाना ही लगाना है, प्रैक्टिस मॉक का. ठीक है, डेली 2 हो जाए तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है वो, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक में टोटल आई थिंक 10 टेस्ट है, 10 के 10 ना 4-5 दिनों में कंप्लीट कर दो, एंड देन रीअटेम्प्ट कर लो चाहे. उसके बाद करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा एंड बहुत ब्लंडर जैसा एक क्वेश्चन हमारी लाइफ में करंट अफेयर से रिलेटेड, कि करंट अफेयर को कैसे करें. इसमें मैं 5 दिन का स्ट्रेटेजी बताती हूँ आपको. देखो, बैक से स्टार्ट हो जाइए, मार्च मत पढ़िएगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप मार्च पढ़कर जाओ. ठीक है, बट हाँ, करंट अफेयर में जैसे आपको पता है पूरी पूरी करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, आपको ESIC का से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेनी है. ठीक है, जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट, हिस्ट्री हो गई, तो वो आपको क्रोम गूगल वगैरह पे मिल जाएगी, आप वो पढ़ लेना. एंड देन बैक से स्टार्ट होना है, आपको फेब का पढ़ना है. ठीक है, देन आपको जनवरी का पढ़ना है, उसके बाद दिसंबर का, उसके बाद नवंबर का. ठीक है, ऐसे पढ़ना है. अब एक बात और देखो, मैंने बहुत हाईलाइट कर रखा है, 25 नंबर के पीछे मत भागो, 25 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का हो गया, तो इनके पीछे मत भागो. रीजन बिहाइंड दिस, अगर 50 नंबर के 50 के पीछे भागोगे ना, तो हो सकता है वो एक भी हाथ ना आए. अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ. मान लो आप ना उनको उस मंथ को ऐसे देखोगे, ओ माय गॉड, मेरे पास 6 महीने करने के लिए, एक दिन में 2 निपटाने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा. सो एक काम करो आप ना, 4 बीच में हमारे पास 5 दिन है, 5 दिन में ना आप डेली एक एक दिन में ना सिर्फ एक मत इतना अच्छे से रट लो ना, कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछा गया तो वो स्किप नहीं हो. आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट वांट टू से यू, राइट, कि मैं एक्चुअली क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, कि जितना पढ़ रहे हो ना वहां से हमारा छूटना नहीं चाहिए, बस मैं इतना कह रही हूँ. सो आप ना प्रीवियस से शुरू कीजिएगा, पीछे से शुरू कीजिएगा, और स्टैटिक तो देखो करना ही करना है. स्टैटिक में ये नहीं है कि आप हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ पढ़ने लग जाओ, भाई ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया है, वो कवर नहीं हो पाएगा. पर जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर हो गए, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, उनके अभी हेड कौन है. ठीक है, जो आसपास जैसे अभी हमारी कंट्रीज हैं, यूक्रेन वगैरह देखो जो है, रशिया, और ये काफी न्यूज में रह रही हैं, तो इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेना स्टैटिक सी, जैसे अभी वहां के प्रेसिडेंट कौन है. ओके, एंड उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री रिलेटेड जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप मिल जाएगा, क्रोम पे मिल जाएगा, वो चीजें थोड़ी सी पढ़ लेना. एंड उसके बाद ESIC का प्लीज मत भूलना पढ़ना. एंड फिर उसके बाद देखो, एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब प्रैक्टिस मॉक के आप मार्क्स लगाओगे ना, वहां पर जो जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 10 टेस्ट हैं, 10 में से आपके हो गए 250 क्वेश्चन, हर एक में 25 क्वेश्चन, तो आपको 250 क्वेश्चन तो रट लेने हैं, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम बनाने वाले उसको समझ में है कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो 250 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में नहीं छूटने चाहिए. ठीक है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये आपका ESIC UDC का ओपन हो जाएगा. यहाँ पर देखो ये टोटल 10 टेस्ट हैं. ठीक है, और ये अभी आज आएगा, आ जाएगा, एंड देन ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं इन्हीं 5 दिनों में. मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये एग्जाम देने जा रही हूँ. एंड उसके बाद इनमें जो भी करंट अफेयर होगी ना, वो आप अच्छे से याद कर लेना, वो 250 क्वेश्चन तो किसी भी कोर्स पर मत भूलना आप. एंड उसके बाद हम कहाँ थे, आगे देखो, उसके बाद एक चीज और बता देती हूँ मैं, ये देखिए गाइडली का जो है, गाइडली का इसमें जब आप एग्जाम्स में जाओगे ना, तो
बैंकिंग वाले में जाओगे आप, सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है ना, बैंकिंग वाले में जब जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको ESIC का दिखेगा, यहाँ पर आप जाना और इसमें आप जाना ESIC में, और यहाँ पर भी क्या आपको देखियो यही ESIC से रिलेटेड ना वो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स मेनली, जो यहाँ इसमें मॉक दिए होंगे ना उनकी करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। करंट अफेयर तो छोड़नी नहीं है क्योंकि वो तो जितनी की जाए ना उतनी वैसे कम रहती है, पता नहीं एग्जामिनर कौन से मूड में एग्जाम सेट करने बैठा और क्या ही पूछ ले उसके सामने, पता नहीं क्या चल रहा हो। सो मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ से गाइडली का हो गया और प्रैक्टिस मॉक हो गया, ये दोनों के दोनों जितने भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो कर लेना, क्योंकि वो है ना मैथ्स रीजनिंग, तो अब हमें मॉक सिर्फ देने और कुछ भी नहीं करना है उनपे, क्योंकि एक्स्ट्रा अब आप करने बैठोगे तो नहीं होगा, की एक राय पर भी पानी फिर सकता है। सो ऐसा कर लेना। एंड उसके बाद देखो डोंट सेट लिमिट्स, ये मैंने क्यों कहा है, मैंने ये देखो एक चीज देखी है, अभी स्टूडेंट्स ना ESIC को लेकर एक मन में ना उन्होंने एक चीज तो सेट की हुई है कि 170 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, ये मैंने पर्सनली भी खुद मैंने देखा स्टूडेंट्स का, ऐसा इतनी तो कट ऑफ जाएगी 170। देखो कट ऑफ प्रडिक्शन वैसे मैं कभी नहीं करती हूँ और ये ना ही करे तो अच्छा है, गालियां बहुत पड़ती हैं लोगों से क्योंकि हम प्रडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर सकते प्रिडिक्ट। आपको क्या पता एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, एग्जाम लेवल बहुत तगड़े लेवल का आ गया, 150 कट ऑफ गई, देन हो सकता है कुछ भी। अब मान लो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ओके अब उसके बाद रिवर्स भी हो सकता है, कट ऑफ एग्जाम भी ठीक ठीक पैटर्न का है, कंपटीशन जिस अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं ना उस अकॉर्डिंग कट ऑफ ही 190 चली जाए, आप 170 को लेकर चल रहे हो, ये सेट मत करो। ये पता है जब हम सेट लिमिट्स खुद को देकर जाते हैं ना एग्जाम में क्या होता है, वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर कहीं भी हम थोड़ा सा लैग करते हैं कहीं पर। मान लो आपने मैथ्स है, मैथ्स अच्छे खासे लेवल का आ गया, वहां आपने अटेम्प्ट करने हैं कि मुझे तो ना 15 मिनट के अंदर अंदर 25 के 25 अटेम्प्ट कर लेने हैं, आपसे हुए कितने 20 सपोज, ठीक है ऐसा नहीं हो मैं नहीं चाह रही हूँ, बट सपोज करो आप ना वहां कहीं ना कहीं लिखवा कर लो, आपके अंदर वो था ना कि डीमोटिवेट वाली एक फीलिंग आकर रहेगी जो अदर जो अपने वो है ना सेक्शन उन पर अपना इफेक्ट छोड़ेगी। आई फेल्ट दिस एंड आई एक्सपीरियंस दिस, सो प्लीज ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, इसे इसे एक्सपीरियंस मत करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जो फील किया इट्स ओके, आपके साथ नहीं होना चाहिए। एंड मैं अल्टीमेटली यही चाहती हूँ इस वीडियो से, है ना, हर एक वीडियो से यही चाहती हूँ, आप बुरा आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो। आप ये लिमिट खुद को मत देकर मत जाना, बस कूल माइंड से जाना, जितने आपने प्रैक्टिस किया जितनी मेहनत की है ना उस मेहनत पर भरोसा रख कर जाना। एंड देन देखो ये मॉक वाली तो मैंने बता ही दिया, 17 के अराउंड एक मॉक आ जाएगा आपका लाइव, ठीक है। एंड जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोनों के दोनों, प्रैक्टिस मॉक एंड गाइडली के, आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो इनको, ठीक है ऐसा होगा ना कि टाइम वेस्टिंग वगैरह नहीं होगा, जो न्यू अगर स्टूडेंट भी है देख रहा है तो बस यही कहूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसका लिंक उठाओ और वहां पर वो मॉक दो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। गाइडली वगैरह में ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, एंड प्रैक्टिस मॉक का जो मैंने खुद एक देकर दिखाया और भी दे लूंगी, बाकी मैं जो लिंक दे रही हूँ उसमें फ्री मॉक मिल जाएगा आपको, तो वो फ्री मॉक एक बार लगा के देख लेना कैसा है कैसा नहीं। एंड बाकी क्या रह गया बताने जैसा, बाकी तो कुछ भी नहीं है, यही सब चीजें हैं, बस इन पर फोकस करना, इन पर काम करना, बाकी होप फॉर बेस्ट फॉर यू गाइस एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गुड लक गाइस, बाय बाय।